ओम शांति। आप सबको स्वागत है 29 मई के ईश्वरी वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम सब मिलकर के एक जब संकल्प करते हैं और हमारे अंदर कंप्लीट पवित्रता होती है, तब जा कर के ही जो हमारे संकल्प हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं 5 तत्वों से भी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में माइंड ओवर मैटर। या तो संकल्प 5 तत्वों को कंट्रोल कर रहे हैं, या 5 तत्व हमारे मन रूपी संकल्प रचना करने वाले एक सूक्ष्म शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, संपूर्णता की स्थिति द्वारा संपूर्ण बन जाना, कंप्लीट बन जाना, ना किसी चीज़ का अहंकार हो, ना लोभ हो, ना ईर्ष्या हो, ना घृणा हो, ना काम वासना हो, ना क्रोध हो, तब हम संपूर्ण बनते हैं। तो संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले, जब हमने 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मतलब कि ये आँख, मुख, कान, नाक, हाथ, पैर हमारे कंट्रोल में है, ना हमें लोभ हो रहा है, ना कुछ देखने की इच्छा है, ना कुछ सुनने की इच्छा इतनी है, जब हम संतुष्ट हैं, जो कुछ भी है उसके साथ संतुष्ट हैं, तब हम 5 तत्वों को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, जब हम कंप्लीट पहले खुद हो जाएंगे, जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, हमारे अंदर कोई कमियां कमजोरी नहीं रहेंगी और हम संपन्न होंगे, तो हमारे अंदर सारे गुण होंगे, सारी शक्तियां होंगी, तब जाके 5 एलिमेंट्स जो हैं, 5 तत्व हमारे संकल्पों को सुनेंगी। ये परमात्मा कहते हैं, संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। तो हमारा जब सोल कॉन्शियसनेस पूरा हो जाएगा, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तीसरा नेत्र मतलब कि हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस हो जाएंगे और बॉडी कॉन्शियसनेस से हम परे हो जाएंगे, परमात्मा कहते हैं तब जा करके 5 तत्व हिलना डुलना शुरू करेंगे। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तब जाकर के हमने पाप करना शुरू किया, तब जाकर के हमने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार किया, और सारी दुनिया जो एक साथ एक संगठित एक टापू थी वो बिछड़ना शुरू हुई, बंटवारा शुरू हुआ। और परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारे संकल्प बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, तो वही जो बिछड़े हुए टापू हैं वो सारे फिर से आ जाएंगे, जिनको कहते हैं पैनजिया, प्लेजिया कहा जाता है। तो सारे टापू साथ आएंगे और फिर से नर्क खत्म होकर के स्वर्ग की रचना होगी। तो आप सोचिए जरा, जब सारे टापू साथ में आएंगे तो कितने बड़े भूकंप, कितने बड़ी सुनामी आएगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। सारी दुनिया की सफाई कैसे होगी, इतनी बड़ी दुनिया कैसे होगा, इतने बड़े बड़े सुनामी आने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े आपके अर्थक्वेक्स आने पड़ेंगे, ताकि जो भी आत्माएं सोचती हैं कि नहीं, हमें तो नहीं जाना है, हम तो यहीं स्वर्ग में, परमात्मा कहते हैं बस नाटक खत्म होने वाला है, आप स्वर्ग में हो या नहीं हो, मुझे सर्व आत्माएं जो कि मेरी रचना है, मुझे सर्व आत्मा को देखना है। केवल कुछ 1-2% जो अमीर हैं, जो बिल्कुल अपने आप को स्वर्ग में समझते हैं, वो स्वर्ग नहीं है, वो नर्क है, क्योंकि नर्क में कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सबको सुख मिलना है तो नर्क का विनाश होना जरूरी है, खत्म होना जरूरी है। तो परंतु परमात्मा कहते हैं यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी, मतलब कि 5 तत्व जब रीअरेंज कब होंगे, जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रिया, जो कि हैं मन, बुद्धि, संस्कार, उसके बाद में ये सारी कर्मेंद्रिया हमारे ऑर्डर, आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर हमारी आंखें जो नहीं देखना चाहते हैं देख लेते हैं, कान से ना सुनना चाहते सुन लेते हैं, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं, गलती से क्रोध कर देते हैं, अहंकार कर देते हैं, ईर्ष्या घृणा की बातें कर देते हैं, ऊंच नीच की बातें कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्मेंद्री है ये आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। तो जब आत्मा के कंट्रोल में छोटा सा मुख या आंखें ही नहीं कंट्रोल में, तो 5 एलिमेंट्स कैसे, 5 तत्व कैसे कंट्रोल में आएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऑर्डर मानेंगे, साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। जब बहुत सारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा चेतना बहुत सारी सोचें कि बस बहुत हो गया, अब ये कलयुग
परिवर्तन होकर के सत्य को आना चाहिए, और इस दुनिया में दुख और अशांति, अपराध, भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो अब खत्म होना चाहिए। तो पहले अपने अंदर का तो खत्म करें, अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत है, तो हम ही स्वयं ही भ्रष्टाचारी बने हुए हैं। हम भ्रष्ट आचरण में हैं तो जाकर के भ्रष्टाचार है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जिसके अंदर है वो भ्रष्टाचारी है। सिर्फ धन की बात नहीं होती इसमें, ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें भ्रष्टाचारी बनाती हैं। तो जब हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे तब जा करके हमारा मन इन सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेगा और हमारी बात मानेगा और हमसे कोई विकर्म पाप कर्म नहीं होगा। तब जा करके पांच तत्व जो होंगे वो भी हमारी बात मानेंगे और वो आत्माएं जो एक साथ अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल कर लेती हैं और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पे कंट्रोल कर लेती हैं, तब जाकर के विश्व परिवर्तन होना शुरू होता है। तब कहते हैं परिवर्तन, एक संकल्प सबके अंदर, तो जाकर के तांडव शुरू होगा और कलयुग खत्म और सत्ययुग की स्थापना हो जाएगी। क्या आप इस स्थापना जो कि अभी हो रही है और हम बिल्कुल अंत के समय में आए हुए हैं, क्या आप भी इसका भाग्य और इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप भी 7 दिन का ईश्वरीय जो कोर्स है वो करें और समझिए परिवर्तन कैसे होगा। इसके साथ ओम शांति।